नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ गिटार के इस नए लेसन में। और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही शानदार गिटार की फिंगर्स के लिए एक्सरसाइज जो आपकी फिंगर्स को जबरदस्त शताब्दी एक्सप्रेस बना देगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वो एक्सरसाइज सीख लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, लाल बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो आप तक सही समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, लास्ट लेसन में हमने 1 2 3 4, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, 4 3 2 1 ऐसे हमने हर स्ट्रिंग्स पे प्रैक्टिस किया था और हमने एक्सरसाइज सीखा था कैसे कि ठीक है ना। और मैंने कहा था कि इसके अलग अलग वेरिएशंस खुद ट्राई करना और सिंसियरली प्रैक्टिस करना, मुझे उम्मीद है आपने की होगी। अब उसको अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद हम थोड़ी बढ़िया वाली टफ वाली एक्सरसाइज सीखते हैं जिससे आपके हाथ शताब्दी ट्रेन का एरोप्लेन बन जाएगा, बहुत तेज वाला जेट प्लेन। तो आइए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं सीखना। ध्यान से देखना, 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4। हम क्या कर रहे हैं, आगे से आगे शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2 3 4। पूरा यहाँ तक करना है, ये 12th फ्रेट तक, ठीक है ना। ओपन से स्टार्ट करना है, अभी इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है और हर स्ट्रिंग पे करना है। और अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद या ठीक प्रैक्टिस करने के बाद और भी अच्छा प्रैक्टिस कर लिया तो और भी अच्छा प्रैक्टिस कर लिया तो समझ गए ना दोस्तों, इस एक्सरसाइज की आपको बहुत सिंसियरली प्रैक्टिस करनी है और आपका हाथ बहुत तेज भागने लग जाएगा। अब क्या बातें ध्यान रखनी हम वो सीख लेते हैं। पहली बात तो ये कि हर फ्रेट को जो आप प्रेस करने वाले हो उसकी आवाज़ एकदम क्लियर आनी चाहिए, यानी कि टिप से प्रेस करना है। मैंने अपने पहले वाले लेसन में सिखाया था कैसे प्रेस करना है, क्या बातें ध्यान रखते हैं, उन बातों का ज़रूर ध्यान रखना। अपना ये जो पिक पकड़ रखा है, छोटू को पकड़ रखा है, इसको ऊपर नीचे करना और रिस्ट को जो है बहुत हल्का सा, मतलब हल्का रखना, टाइट मत रखना, ठीक है ना। और आप गिटार के उस्ताद बन जाओगे और लोग कहेंगे वाह उस्ताद। तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। और अगर वाह उस्ताद कहने की इच्छा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो और मुझे बताओ कि और क्या सीखने की इच्छा है, और सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है ना। और मुझे आपका इंटरेस्ट दिखाओ कि आपको सच में इंटरेस्ट है सीखने के लिए, तो मैं और अच्छे से अच्छी वीडियोस लेसन्स आपके लिए अपलोड करता हूँ। समझ में आ गया इतना? तो अब हम मिलेंगे अगले लेसन में। अगला लेसन बहुत खास होने वाला है, तब तक के लिए मस्त रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद और जय भारत।